आदर दोस्तों, मैं हूँ शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं, वो मुद्दा है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान आया है वसीम रिजवी को लेकर के। वसीम रिजवी ने बयान दिया था कि मदरसों में आतंकवाद है, और अब एक और नया विवाद उन्होंने शुरू कर दिया है कि कुरान की 26 आयात को बदलने की वो हिमायत कर रहे हैं, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है कि कुरान की आयात को बदला जाए। ये आयात आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जिसको लेकर के देश भर के मुसलमान और दुनिया भर के मुसलमान उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में एक वीडियो असदुद्दीन ओवैसी की, ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आइए उनको इस वीडियो को आपको दिखाते हैं कि वसीम रिजवी को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है। ये वीडियो देखें आप। मिस्टर वसीम रिजवी इज द बिगेस्ट जोकर, द मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक पर्सन। ही हैज सोल्ड हिज सोल टू द आरएसएस, एंड आई चैलेंज दिस बफून एंड जोकर टू शो वन शिया और सुन्नी और एनी मदरसा वेर इन सच टीचिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। दिस मैन इज टॉकिंग इन अ वेरी रेकलेस एंड जनरल वे, एंड इफ ही हैज द प्रूफ ही शुड शो इट एंड गो एंड शो इट टू द होम मिनिस्टर। तो ये थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद से सांसद हैं, जिन्होंने कहा है कि वसीम रिजवी एक जोकर है और वो अपनी आत्मा बेच चुका है आरएसएस के हवाले से। ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या वाकई में वो बिकाऊ हो चुके हैं और किसी के कहने पर इस तरह की हरकत कर रहे हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं, उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।